हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं ग्लव्स बना रही हूँ। ये मेरे लिए लेडीज़ ग्लव्स नहीं बना रही हूँ, जेंट्स के लिए बना रही हूँ। तो ये स्पेशली ग्लव्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हम टू व्हीलर चलाते हैं, बाइक हो, स्कूटी हो। फोर व्हीलर में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप सब लोग के पास फोर व्हीलर तो नहीं है, किसी को चाहिए था तो हमने सोचा चलो बना भी लेती हूँ और साथ में आप लोगों को शेयर भी कर दी हूँ। तो जिनकी ज़रूरत होगी वो ही उसको बना भी लेंगे। तो हमने देखिए पूरे अपने मनपसंद से कोई भी ऊन ले लीजिए। और ये हमने ये 100 ग्राम्स ऊन लिया है शायद, और 9 नंबर स्लाइस में बना रही हूँ। तो आपको देखिए ये हम 4500 से मतलब स्टार्ट कर रहे थे और 22 बनाया, फिर एक हमने बुन लिया, फिर 22 ऐसे मतलब 22 बनाने पर एक हमने होल बना लिया, फिर 22 बिन लिया। फिर इस नेक्स्ट टाइम आया तो हम एक एक दोनों तरफ बढ़ाने लग गए। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते ये वी शेप में बन जाएगा और आपको तब तक बढ़ाना है जब तक 54 फंदे ना हो जाएँ। हम थोड़ा बना लिए थे क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो जो लोग बनाने जानते हैं उनको तो पता ही लग जाएगा। ये देखिए जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, देखिए दोनों छेद हमने बनाया है, देखिए 6 इंसेंस जो होल्स हैं। और ऐसे ही आपको इंक्रीज़ करना है, जो आप इसमें से ऐसे इंक्रीज़ करेंगे तो इसके होल बहुत बड़े साइज़ के नहीं रहते हैं। तो हमने ऐसे ही बुन लिया है, जैसे कि हम ये बुन के दिखा रहे हैं आपको। उल्टे में आपको पूरा उल्टा ही कर देना, सीधे में जब आएंगे तभी, और जब दो दो लाइन आप बुन लेंगी तो ये मतलब खुद ही आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ होल बनाना है। ठीक उसी जगह में आपका होल एकदम अच्छे से बीच में बी शेप बनता रहेगा और बाकी जो है वो सीधी एक चैन चली जाएगी ऐसे। देख आपको दिखा भी दे रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए सीधी चैन ऐसे चली जा रही है। बहुत सफाई से काम करना ही नहीं कि हम ऐसे कहीं भी फंदा बढ़ा दे रहे हैं, इस तरह नहीं बढ़ाना है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये थंब का पोर्शन हो जाएगा। देखिए आपको इधर से फंदा बढ़ा हुआ था और इधर बढ़ा हुआ था दोनों तरफ, तो 9 फंदा हमने बढ़ाया है। आप भी अपने आपका पंजा कितना चौड़ा है उसके हिसाब से आपको बढ़ाना है। ये जेंट्स का बना रही हूँ, 45 से हमने स्टार्ट किया और हम तब तक इंक्रीज़ करेंगे जब तक 54 फंदा ना हो जाए। तो 9 फंदा हमने बढ़ाया है इसमें। मैन इसमें असली खूबी तो बस अंगूठे बनाने में है, बाकी तो जैसे नॉर्मली जो भी लोग बिगनर जो भी बुन लेते हैं वैसे ही बुन लेना है। कोई ऐसे इसमें बहुत ऐसे कला नहीं है कोई इसमें। तो आप ये ध्यान रखिए और जब बनाएंगे तो ये बहुत ध्यान रखिएगा आप कि जो अंगूठा का पोर्शन है आप ध्यान रख के बनाइएगा कि दोनों अंगूठा किधर आ रहा है, क्योंकि भाई इसी में गलती हो जाती है। तो ये एकदम देखिए ऐसे चेन बनता गया है, बहुत ही सुंदर बन के निकल आया है। इसलिए हम आपको बार बार दिखाते रहें कि कहाँ बढ़ाना है आपको। देखिए हम दिखाते रहें कि ऐसे फंदा आपको बढ़ाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बुन ली, 9। ये देखिए 9 में फिर एक आ गया, 9 फंदा बुन लिए, फिर एक आपको होल बना लेना है। 9 हमने फंदा बढ़ाया है, फिर देखिए इसे आप बढ़ा लेंगे, दिख रहा है आपको पिक्चर में अच्छे से। आपको नीचे से ही फंदा उठाना है, अगर आप आगे से मुड़ के वैसे करके बनाएंगे तो बहुत ही होल बड़ा सा बनता है, बहुत देखने में गंदा लगता है। एक दो सिलाई जब बुन लेंगी तो आपको वैसे, और उल्टे में आपको कुछ नहीं करना, उल्टे में तो आपको पूरा ऐसे जैसे बुना जाता है वैसे ही बुना, बस सीधे में ही आपको फंदा बढ़ाना है, उल्टे में नहीं बढ़ाना है। पूरा ऐसे हमने बुन लिया है और 54 फंदे हो गए हैं। आपको आपको अब सबसे पहले आप जब हाथ नीचे से देखती हैं तो पहले से थंब निकला रहता है, तो पहले हम थंब बनाएंगे। अब आपको इनको 2 सिलाई में आपको इसे हाफ आपको कर देना है और आपको दोनों सिलाई में
हाफ हाफ करके दोनों फंदे, मतलब आधा फंदा इसमें रहेगा आधा फंदा उसमें रहेगा, 10 27 27 फंदा दोनों में रहेंगे, 27 इस सिलाई में 27 उस सिलाई में। मेन कलाकारी तो इसी में ही है, बाकी तो आपने कर लिया उसमें बहुत इश्यू नहीं है। और फंदा आप वो बीच में बढ़ाने वाला नहीं करना चाहती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह भी बन जाता है, एक उस तरह से भी बनता है। तो आप देखिए इसमें क्या करना है कैसे करना है, ये देखने वाली बात है मेन। अब एक फंदा इस सिलाई उठाएंगी, एक फंदा उस, अब ये दूसरा निटिंग स्टिक एक उठा लेना है, एक इसमें से उठाइए एक उसमें से उठाइए, एक इसमें से उठाइए एक उसमें से उठाइए, आपको ऐसे करते जाना है। ये बहुत केयरफुली आपको करना रहेगा कि अगर भी फंदा गिर गया तो समझ लीजिए आपका सारा मेहनत बेकार हो गया। ये हम थंब का पोर्शन निकालेंगे, थंब हम 12 फंदे का बनाएंगे। इसको बहुत बारीकी से काम करिए कि नहीं कि इसमें से दो फंदा निकल जाए, कहीं इसमें एक निकल जाए, कहीं या तो इधर से दो निकल जाए, इस तरह नहीं। आपको केयरफुली करना है, एक इसमें से फंदा एक उसमें से, एक इसमें से एक उसमें से, ये ब्रिज जितनी फंदा है जब तक ख़त्म ना हो तब तक आपको ये ऐसे बना लेना है, बहुत केयरफुली और नीटली काम करना है, क्योंकि बहुत ही इसमें यही मेन इसका ये ग्लव्स बनाने का मेन यही है, अगर इसमें गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा ग्लव्स तैयार ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक दो बार जब मैं पहले बचपन में बनाती थी तो मुझसे ये कई बार हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। एक बार मैं बना ली पूरा, देखी तो दो फंदे एक साथ ही पता नहीं कैसे फंस गए थे, और मैं पूरा बना ली पता लगा कि अरे ये तो अभी बाकी रह गया है। तो मैंने आपको ये देखिए, जब एक बार कर लेंगी तो आप अंदर से भी आपको देख लेना है, अगर आपको नीटिंग स्टिक अंदर से दिखाई दे रही है मतलब आपका ये जो आपने फंदा उठाया है एकदम परफेक्टली बन गया है। आप बनाएंगे तो फिंगर्स को एक पूरी डिवाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन से में कितने कितने फंदे रखने हैं। ये हम थंब जो आपको पहले बता चुके हैं, ये हमने 45 से स्टार्ट करा, 54 बुना, मतलब 9 फंदा हमने इंक्रीज किया, फिर हमने जितनी अंगुलियां हैं आपको उसी हिसाब से थंब सबसे थोड़ा बड़ा रहता है, थंब और फर्स्ट फिंगर जो है, तो हम इनको 12 12 फंदा रख लिए हैं, और फिर मिडल वाले को 11, फिर उससे वाला 10 और उसका 9। तो हम पहले अंगूठे को बनाएंगे, हम 12 फंदे से हम बनाएंगे। इसे और आपको क्या करना है, जो आगे के दिखाई दे रहा है उसका उठा लेना है, जो पीछे का है, जो आगे का बुनना है और पीछे का उठा लेना है, जो सामने आपको दिखता रहेगा फंदा उसको बुनना है, जो पीछे है उसको उठा लेना है। ये बनाने में आपको केयरफुली करना है, आगे जो दिख रहा है उसको हमको बुन लेना है, जो पीछे है उसको आपको उठा लेना है, ऐसे आपको फिर टर्न हो जाना है, फिर वैसे बुनना है, ऐसे करते जाना है। देखिए एक फंदा मैं बुन रही हूँ, एक उठा ले रही हूँ, फिर आगे वाले को बुन रही हूँ, पीछे वाले को उठा ले रही हूँ, फिर आप टर्न हो जाइए। इसी तरह आपको बनाते चले जाना है, एक बुनिए एक उठाइए, एक बुनिए एक उठाइए, बुनना है आगे वाले को बुनना है, जो पीछे वाले को उसको उठा लेना है।
इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, गलती ना हो जाए, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनसे गलती हो जाती है। और बीच बीच में आप चेक भी कर लिया करिए, वैसे बीच में चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत बुन जा रहा है। ऐसे आप पूरा कर लेंगी, और जब अंगूठे का साइज़ जितना बन जाएगा, अगर आप अपना बना रही है तो फिंगर अंदर उसमें डाल के देख लीजिए, या बाहर से भी नाप के देख लीजिए, किसी और का बना रही है तो उसको भी आप किसी कागज़ में आप उस उनके हाथ का मतलब पूरा आउटलाइन बना लीजिए और उसी से नाप लिया करिए। हम तो इसको आउटलाइन बना के रख लिए हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, तो जिसका बनाना है बार बार तो जो आदमी का आप मांग नहीं सकते, लाओ उंगली दिखाओ, अपना थंब दिखाओ, फिंगर्स दिखाओ, तो आप एक कागज़ में ही उनका हाथ रख के और बाहर से जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे 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 देख लीजिए। अगर अपना बना रहे तो ठीक है भाई, आप 10 बार नाप सकती हैं, लेकिन किसी और का रहेगा तो आप कितना बार नापेंगी, अगला भी इरीटेट हो जाएगा। तो एक कागज़ में ही आप इसको बाहर से आउटलाइन बना कर रख लीजिए और उसे नाप लीजिए। और सबका अंगूठा अलग अलग साइज़ का होता है, ये नहीं कि हमने बता दिया है कि इतना लंबा बनाना, तो ऐसा कोई इसके इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। महिलाओं की उंगली छोटी होती हैं तो छोटा बना ले, मतलब आप अपनी उंगली के साइज़ के हिसाब से अपना नाप ले लीजिए, उसी हिसाब से बनाइएगा। ये सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है कि हम एक साइज़ का बना ले सबको अट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर परफेक्शन नहीं रहेगा, अगर छोटा बना देंगे तो भी दिक्कत, लंबा बना देंगे तो बाहर निकला हुआ रहेगा। हमने थंब बना लिया है, अब आपको क्या करना है, सुई की सहायता से ऐसे मतलब वो खोल के से निकाल लीजिए, और सुई से जैसे हम दिखा रहे हैं ऐसे आपको सिल लेना है। एक एक फंदा उसमें उठा लीजिए, फिर ऐसे इस तरह करके आप इसको निकाल लीजिए। और लोग कैसे इसको करते हैं ये तो नहीं पता, पर मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करके गांठ मार देती हूँ। ओ स्लिप हो गया क्योंकि उसमें गांठ तो मारना नहीं रहता है, इसलिए स्लिप हो गया। फ्रेंड्स मेरे वीडियोस ऐसे ही होते हैं, अब हर समय आदमी को मूड बना के थोड़ा रहना पड़ता है, हंसी मजाक भी तो ज़रूरी है। तो अब देखिए अब बन गया है कि एक पहले इसलिए निकल गया था कि गांठ नहीं मारी थी, गांठ मारने से भी दिक्कत हुई, फिर आप उसको काटना ही पड़ेगा। तो इस तरह आप एक करके और सीज़र की सहायता से आप इसको काट लीजिए, तो प्यारा सा आपका अंगूठा ये तैयार हो गया। और फिर आपको थोड़ा सा बुनना पड़ेगा, मैंने फिर 4 उंगली बुना, ये थंब हो गया है। और फिर हम 4 उंगली वैसे ही बुनेंगे, एक फंदा उठाना है, एक बुनना है, उठाना बिनना, इसी तरह हम करेंगे। अब जैसे आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, अब ये अंगूठा बन गया। अब आप देखिए, आप जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ अंगूठा बना लिए, फिर 3 उंगली हमको बनाना है, और किसी और का बनाना है जेंट्स तो उनका, हाँ 3 उंगली के बाद हम फिर ये फिंगर बना लेंगे छोटी वाली, पहले थंब बनाएंगे, फिर छोटी उंगली बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाली बनाएंगे, फिर वो जो आगे के 2 फिंगर्स हैं पॉइंटेड पॉइंट जो करते हैं फिंगर्स, वो दोनों को एक साथ बना लेंगे। जब आपका पहले भी मैं बता रिकैप कर दे रही हूँ एक बार दोबारा, फिर से 45 फंदे से हम बनाएंगे, फिर 54 कर लेंगे, फिर 12 फंदा अंगूठे के लिए, 9 फंदा छोटी उंगली के लिए। देखिए इसमें हमने बना दिया, इसमें उल्टा दिखाई दे रहा होगा ना, ये 12, ये 9, ये 10, 11, 12, 2 12 12 हैं, 11, 10 और 9 आपको दिखा दिए। देखिए ऐसे ही आपको ऐसे कर लेना है, हमने हाथ बना लिया है, इसी तरह से हम बना के कंप्लीट करेंगे। छोटी वाली बनाएंगे, उसको फिर नेक्स्ट वाली बनाएंगे, फिर उन दोनों को साथ ही बना लेंगे। तो हमने पहले से बना रख लिया है, देखिए बना लिया है हमने थंब तो बना लिया आपके सामने, ये छोटी फिंगर्स बना ली, फिर 2-3 सिलाई हम बुनने के बाद ये उसके बाद वाली ये फिंगर बना ली। अब ये दोनों फिंगर्स को हम साथ ही बनाएंगे।
एक एक दिखाते तो बहुत समय लगता है, आपको हम बनाने दिखाई दिए हैं। जैसा अंगूठा बनाना है वैसे उंगलियों को बनाना है, उसमें कुछ अलग नहीं करना है। एक फंदा उठाओ, आगे वाला बीनो, पीछे वाला उठाओ, आगे वाला बीनो उठाओ, और फंदा हमने बता ही दिया कितना कितना आपको बनाना है। तो आप अपने मतलब जितने फंदे आपके रहेंगे, ये नहीं कि हमने 12, 12, 10, 11, 9, 8 जो भी किया है, तो आपको भी वैसे नहीं करना है। ये डिपेंड भी करता है कि छोटे बच्चे का बना रही हैं कि जेंट्स का बना रही हैं कि लेडीज़ का बना रही हैं, उसी अकॉर्डिंगली आपको उसको बनाना है। हम ये जो फिंगर बनाने के 2-3 सिलाई बुन ली हूँ, छोटी वाली उंगली बना के भी 2 सिलाई हमने बुन के फिर ये फिंगर्स बना लिया था। आप फिर अब इन दोनों को साथ ही हम बना लेंगे। 2 फिंगर्स बचे हुए हैं, वीडियो के हम लास्ट में आ रहे हैं। हम कैसे रहिए, हम ऐसे फिंगर्स आपको बनाते चला, जितना लंबाई आपको चाहिए उतना बना लीजिएगा। जितना बना लिए हैं पूरा आप बना के फिर वैसे जैसे हमने की सहायता से हमने बंद कर लिए तो वैसे आप बंद कर लेंगे। ये भी कंप्लीट हो गया, जितना लंबा हो जाए आप इसको, ये भी कंप्लीट हो गया। कल जैसे हमने बताया वैसे आप तो सिल लेना है। पहले एक बार निकल गए थे इसलिए हम केयरफुली बना रहे हैं, इतना कि निकल जाए तो आप लोग कहेंगे पता नहीं क्या बना रही हैं, निकली जा रहा है इनसे क्या सिखाएंगी, क्योंकि लोग हंसी मजाक करने वाले बहुत है दुनिया में, पर मैं बहुत माइंड नहीं करती हूँ। कुछ लोग को खाली लोगों में बुराइयाँ नज़र आती हैं, अपना नहीं देखते हैं ये लोग। कुछ ज़िंदगी में जिनको कुछ नहीं करना वो ज़्यादा दूसरे को कमेंट करते रहते हैं, मुझे इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मना है कि मैं बहुत बड़े यूट्यूबर बन गई हूँ, कोई कमेंट करेगा तो हमें बुरा लगेगा, ऐसा कुछ बुरा नहीं लगता। एक वक्त था जब बुरा लगता था, अब ऐसा कुछ बुरा नहीं लगता है। कोई कुछ भी कहे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो हम बना लिया, अब बीच वाला बना लेना है, यही रह गया। तो ये 11 फंदे से हम ये बनाना है हमको, बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आपको सिखाया बस वैसे ही करना है, लेकिन एक बार हम सब दिखा दे रहे हैं बारी बारी से कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। अब मिडिल वाला तो 11 फंदे से उन्हें बनाया था, ऐसे ही गांठ आप मार लीजिए, बीच में आप ऊपर के बांध लें, नहीं अगर ये नहीं बीच में बांधेंगे तो यहाँ एक बड़ा सा होल हो जाता है। एक उंगली बनाते जाते हैं तो वहाँ बीच बीच में होल बन गया रहता है। बार बार आपको बताते रह रहे हैं कैसे बनाना है। एक फंदा उठाओ, एक बुनो, एक फंदा उठाओ, एक बुनो, इतना बन गया। इसको भी बना लिया, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए हमने इसको भी
जल्दी कर दिए। आपको समझ में तो आ ही गया है। ये कंप्लीट हो गया है। आपको ये साइड का सिल लेना है। आप करके दिखा देना, अभी साइड का आपको सिल लेना है। सिलने तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ सिलने में दिक्कत है तो लाइए हमको बता दीजिएगा, हम वो भी सिखा देंगे। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो एक हाथ का हो गया, ये दूसरे हाथ का भी बना रही हूँ। ऐसे इसको भी कंप्लीट कर लेना है। इसको भी हम ऐसी बीच में बना लेंगे। ये कितना लंबा बन गया है, अब आप नाप लीजिए। सब देखिए हमने बना लिया, और ऐसे आप नाप लीजिए और ऐसे कंप्लीट कर लेना है। इस फिंगर को भी बना लेना है। जैसे वीडियो के लास्ट में हम आ रहे हैं, अब कंप्लीट होने वाला है। ऐसे आपको बनाते चले जाना है। मेन फिंगर्स बनाने में ही, इसमें फिंगर्स का ही खेल है और कुछ नहीं है। फिंगर्स बनाने जान लेंगी तो आप बना लेंगे। ये हम सारे बना लिए हैं। ये देखिए दोनों, पहले वाले बन गए, दूसरे वाले का अब एक बन जाएगा। तो आप उसी से मेजरमेंट ले लीजिए, तब कागज़ कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको दिखा रहे हैं वैसे हम बना दे रहे हैं। ऐसी फंदानी गिरा लीजिए और नील की सहायता से आप इसको करके सिल लीजिए। ये तो सभी लोग जानते हैं। तो हमको कंप्लीट करके दिखा दे रहे हैं बना के। हम इसको ऊपर से सिल रहे हैं, आप नीचे से ऊपर से जहाँ से मर्जी सिल सकती हैं। ऊपर से इसीलिए सिल रहे हैं कि जो ये गांठ लगाते हैं तो उसका धागा ना दिखाई दे। हमने इसको ऊपर से स्टार्ट किया है, और बनाते समय आप धागे को अंदर करके दबा लिया करिए। जैसे सिलाई कर रही हैं उसी में दब जाएगा, ये तो खुद निकला रहता, गंदा दिखता है। जब भी हम कोई काम करें तो सफाई के साथ किया करें। अच्छा, मुझे सफाई बहुत पसंद है। अगर ज़रा भी मुझे ख़राब कोई चीज़ लगता है तो मैं तुरंत निकाल देती। देखिए हमने स्टिच कर लिया है, एक स्टिच कर लिया, दूसरे को भी स्टिच कर दे रहे हैं। दोनों ग्लव्स हो गए हैं तैयार। देखिए पहन के भी देख ले रहे हैं। मेरे साइज़ का नहीं है, फिर मैं वैसे ट्राई कर ले रही हूँ पहन के आप लोगों को दिखाने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत ग्लव्स तैयार हो गए हैं। तो कैसा लगा मेरे वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय।